हाय गाइस, वेलकम बैक टू बैडी प्लेज। माय नेम इज अतिशा एंड टुडे आज मैं आपको स्टोरी बताने वाला हूँ इंटेलिजेंट गाय की, कि उसके साथ पुराने में क्या हुआ था और वो स्मार्टी पाई की मदद क्यों कर रहा है। इजी पीजी लेमन स्क्वीज़ और विज़र्ड ने या स्मार्टी पाई को धोखा क्यों दिया, ये भी है। मतलब अरे बिल्कुल पावर पैक्ड है आज, मजा आने वाला आप लोगों को बस स्टोरी के अंदर। सो लेट्स बिगिन। तो आप लोगों को याद ही होगा कि जब स्मार्टी पाई फाल्डन पहुंच गए थे तो उन्होंने उस राजा की हेल्प करी और राजा ने स्मार्टी पाई को कहा कि वो टाइम मशीन उन्होंने बनाई है, लेकिन वो राजा झूठ बोल रहा था। उस टाइम मशीन को उसने नहीं बल्कि इंटेलिजेंट गाय ने बनाया था। वो कैसे, हम थोड़ा पीछे चलते हैं। तो जो इंटेलिजेंट गाय था वो उस विलेज का एक साइंटिस्ट हुआ करता था और वो बहुत इंटेलिजेंट था। जब राजा को पता चला कि ये बहुत इंटेलिजेंट है तो उन्हें थोड़ा डर लगने लगा कि कहीं ये कुछ ताकतवर वेपन बना कर हमें धोखा ना दे दे। तो उन्होंने उस विज़र्ड को एज असैसिन अपॉइंट किया, क्योंकि आप लोगों को याद ही होगा कि वो जो विज़र्ड था वो बहुत पहले एक असैसिन हुआ करता था। और उसे वादा किया कि तुमको मैं पूरी लाइब्रेरी और लैब का एक्सेस दे दूंगा, क्योंकि विज़र्ड को स्टार्टिंग से इंटरेस्ट हमेशा साइंस में था, लेकिन उसे असैसिन बनना पड़ा। तो जब वो इंटेलिजेंट गाय को मारने जाता है, यानी कि विज़र्ड मारने जाता है, तो जो इंटेलिजेंट गाय होता है वो बच जाता है। और क्योंकि उस इंटेलिजेंट गाय ने विज़र्ड की शक्ल देख ली थी तो विज़र्ड उस पर नजर रखने लगता है और राजा को खबर देता रहता है, क्योंकि विज़र्ड को पता था कि वो टाइम मशीन पर काम कर रहा था। तो विज़र्ड उसे मारना नहीं चाहता था और एक साल तक उस पर नजर रखते रखते और खबर देते देते तो राजा विज़र्ड से परेशान हो आ गया था। तो उसने कहा कि तुम यहाँ से निकल जाओ, मैं दूसरे असैसिन को अपॉइंट कर लूंगा। ये सुन के विज़र्ड को गुस्सा आ जाता है तो फिर वो दूसरे राजा के साथ मिल जाता है। और जब वो उस राजा के विलेज को, यानी कि इस वाले राजा के विलेज को तबाह करने जा रहा होता है तो उसे उसकी ये स्मार्टी से लड़ाई हो जाती है और उसे समझ जाता है कि टाइम मशीन बन चुकी है और वो हार मान लेता है। और क्योंकि वो प्रेजेंट वाले विज़र्ड का पुराना रूप था तो प्रेजेंट वाले विज़र्ड को पता था, और वो इसलिए ये स्मार्टी पाई की मदद कर रहा था क्योंकि उसे लगा कि जब ये स्मार्टी पाई मेरे पुराने रूप से लड़के आएगा तो मैं उसे वैसे ही मार दूंगा, मैं उसे रास्ते में ही मार दूंगा। लेकिन क्या लगता है आप लोगों को क्या हुआ होगा? अपना ये स्मार्टी पाई बच गया यार, बच जाता है। और विज़र्ड अफवाह फैला देता है सबके अंदर कि एक नकली स्मार्टी पाई आएगा जिसका कलर फेड होगा। उस पुराने विज़र्ड को जब पता चला कि टाइम मशीन बनने वाली है तो वो इंतज़ार करता है कि हाँ चलो बनने दो टाइम मशीन को, मैं वेट करता हूँ कि जैसे ही टाइम मशीन बनी तो मैं उसे मार दूंगा, वेट करता है। जब इंटेलिजेंट गाय टाइम मशीन के ट्रायल करता है तो उसे विज़र्ड ने ट्रायल के बीच में मारने की कोशिश करता है, लेकिन वो मरता नहीं, कमज़ोर हो जाता है और विज़र्ड उसे कैद कर लेता है। फिर आगे का तो आपको पता ही है, जब अपने ये स्मार्टी पाई प्रेजेंट में थे तो उन्हें पता चलता है कि ऐसा ऐसा हुआ था, तो वो अपने उसको कलर को ठीक करने के लिए ट्राईपोर्टल के अंदर जाते हैं, समझे? मतलब जब विज़र्ड उसे मारने की कोशिश करता है तो वो गलती से जो हमारे क्या बोलते हैं हमारा जो इंटेलिजेंट गाय था वो प्रेजेंट वाले समय में पहुंच जाता है और वो ट्राईपोर्टल को ढूंढने लग जाता है। और विज़र्ड ने ऑलरेडी जो प्रेजेंट वाले विज़र्ड ने ऑलरेडी ढूंढ के रख रखा था ट्राईपोर्टल का है। तो जैसे ही वो जो इंटेलिजेंट वाला गाय है ट्राई पोर्टल के पास पहुंचता है, विज़र्ड उसे वैसे ही कैद कर लेता है, समझे? तो ऐसे ही जब यस्मार्टी पाई आता है क्या बोलता है ट्राई पोर्टल के बाद, तो उसे तभी ही वो इंटेलिजेंट गाय मिलता है और उसे पता था कि हाँ ये बंदा बहुत ताकतवर है, यस्मार्टी पाई अपने बहुत मजेदार बंदे हैं, तो इस वजह से वो हमारे यस्मार्टी पाई की हेल्प कर रहा है। और वो एनोनिमस इसलिए रहना चाहता है क्योंकि उसकी मर्जी यार, उसके अंदर मैं क्या बताऊंगा। यही थी हमारी इस इंटेलिजेंट गाय की स्टोरी। अच्छी लगी तो कमेंट करना, और मेरा मोटिव था कि ये स्मार्टी पाई तक पहुंचे, और अगर ये पहुंच चुकी है तो गाइस आप लोगों का बहुत थैंक यू, नहीं पहुंची तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो और ये स्मार्टी पाई तक पहुँचाओ। थैंक यू।